चीन के बार्डर से शहीद होए सतनाम सिंह की श्रद्धांजलि समारोह में राजनीतिक ते पंथक जथेबंदियों के आगुआ ने की शिरकत। पंगू फार्म में खुले पंडाल में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का कीर्तन, प्रकाश हजूरी रागियों वालों किया गया बेरागमाई कीर्तन। फौज के उच्च अधिकारी ने कहा कि शहीद सतनाम सिंह की अंतिम अरदास होए शामिल परिवार नाल हमेशा खड़े रहने का दिता भरोसा। कांग्रेस के सबका पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ शहीदों के परिवार को सरकारी नौकरी, शहीद के नाते यादगिरी गेट से 50,000 रुपये का चैक भेट किया गया और कहा कि शहीद देश का सरमाया। सतनाम सिंह वर्गे शहीदों नाल देश की हद्दां सुरक्षित हैं। पत्रकार बलबीर सिंह घुमन की खास रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज़, गुरदासपुर। पंजाब के 80% जवानों ने मैं समझता हूँ भी जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी। उत्थे मैं समझता हरेक जिहड़ा साडा नौजवान फौज के वीर उत्थे सीगे उन्होंने हिंदुस्तान की सुरक्षा वास्ते, चाहे वह पंजाब तो सीगे, चाहे बिहार तो सीगे, चाहे झारखंड तो सीगे, सारे ने अपनी अमर शहादत दी है ताकि पंजाब हिंदुस्तान दरों का सुरक्षित रहन, असी अपने घर सुरक्षित रह सकी। तो अज जो उन्होंने परिवार के नाल उन्होंने दुख साझा करने वास्ते असी इतने आए हैं। मैं समझदा भी जिहड़ा कैप्टन साहब ने परिवार वास्ते 50 लाख रुपये या बाकी परिवार से नौकरियों का जो प्रबंध किया होना भी चाहिए, क्योंकि उस शहादत की कीमत नहीं पाई जा सकती, उन्होंने परिवार के दुख की रुपया नाल या नौकरी नाल नहीं अदाई की जा सकती। सही सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने ताकि उन्होंने कुरबानी जी है बेकार ना जाए, वो उदो ही होगी साड़िया सरहदा सुरक्षित रहे वास्ते सारा मुल्क एकजुट खड़ा है। इस शहादत ने सारे मुल्क नूं चाहे आपसी कोई भी मतभेद हो सकता उन्होंने भुला के सारा मुल्क साड़ी फौजा के नाल खड़ा है ताकि दुश्मन के दंद खट्टे किए जा सकन। साड़ी जिहड़े सरहदा के अंदर उन्होंने इन्नी हिमाकत की, इन्नी जरूरत की है, उन्होंने दंद खट्टे किए जा सकते। सर जी गल की जाए तो पाकिस्तान के वालों या फिर चाइना के वालों लगातार ही ऐसे हमले होते हैं जिसमें साडे जवान शहीद हो जाते हैं, लोगों का कितना कितना रोश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच की वो सीना कितने है हूँ जिसे जरूरत है। सर बाया साहब ने कल कही प्रधानमंत्री आप यह कोई देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो लोगों नू जो कुछ भी कहते रहन, मैं इन्होंने गलों पर क्योंकि जेडे जगह पर अज खड़े हाँ मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जेडे बयान से मैं समझता हूँ हरेक लीडर वो ध्यान सुनने चाहिए है कि जिन्हें व्डे अहदे पर तुम बैठे हो उन्नी जिम्मेवारी जबान खोलनी चाहिए है। असी नहीं चाहते साडे देश के दे प्रधानमंत्री की जिहड़ा बयान है, जिहड़ी स्टेटमेंट है वो चीन वाले बाहर ले फिर भी देखो जी उन्होंने साडे उहदे ते मोहर लाती। बड़े जिम्मेवारी नाल मुल्क एक है, मुल्क एक खड़ा है दुश्मनों के दंद खट्टे करने वास्ते। हाँ लीडर की जिम्मेवारी बनती है देश नूं कैसे सुरक्षित रखन, इस किस्म का कोई बयान ना देन जिहदे नाल साडे फौजियों का या साडे देश का हौसला टुट जाए। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦੇ ਜੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, 5 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 7 ਲਾਈਨਸ ਕਰੋ and you watching Light of Nation, aap dekh rahe hain Lawn News।